अरे ये कफील दिख रहा मेरे को, नहीं नहीं ये मकान मालिक होंगा है। ए माया एटला चुस्त ना हो पांक। क्या हो गई खैरियत पांक? अरे फैज भाई तुम्हें मैं कफील है समझा? अरे ओवर कर देते उस्ताद तुम भी। अरे नहीं भैया तुम ऐसा जुब्बा डाल लेके आया तो मैं सऊदी है समझा ना? अरे नहीं यार आज जुमा है ना तो सब जने तोप पहनते, यहाँ का कल्चर है समझो। चलो तुम्हारे को मैं सऊदी का कल्चर यहाँ के खुसूसियात बताता हूँ, स्पेशली ट्रैफिक वाले। ऐसा चलो अरे एक मिनट ठहरा, चलो क्या मामा कहाँ गए तुम? अरे मामा वो रोड पे जो है लकड़ी पड़ी हुई थी। हाँ सुन तो क्या है उसको किले विले होंगे भाई, आने जाने वालों को तकलीफ होती बोल के हटा दिया। चल मेड लगा लिया ना? चल ये एडवोकेट जो है ना बटे, तुम जितना जल्दी सीख लिए ना उतना अच्छा तुम्हारे वास्ते। समझे? सबसे मेन चीज यहाँ पे जो है ना हॉर्न नहीं मारना, डिपर मारना, इवन दिन में भी अगर उसको नहीं दिखा दिन में इत्तेफाक से तो हल्की हॉर्न मारना, ऐसा नहीं कि पी पकड़ लेके बढ़ गए अपने इंडिया के। सर अपने इंडिया में जब तक उन्हें हटाने जब तक मारते पल्ला। हाँ ये इंडिया में भी अलाउड नहीं है मालूम, लेकिन अपनी पब्लिक फॉलो नहीं करती। अजी मिर्जा भाई अरे जॉब ही नहीं मिल रही यार, क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा। तुम्हारे बोला है चारो तुम आए कई को जॉब है नहीं यहाँ पे, अब जैसा फ्लैटा खुलते ना चले जाओ खामोश, कुछ तो भी कर ले सकते तुम इंडिया में, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो देख रहे मामा तुम हजरत की जो है टायर पंचर हो गया तो पब्लिक कैसा रुक गई देखो। यहाँ पे क्या है मालूम कोई भी फैमिली के साथ है या खाली अकेला भी है धूप में अकेला टायर पंचर चेंज कर रहा तो भी पब्लिक रुक जाती है उसकी मदद करने। समझे आपको भी अगर ऐसा दिखा कभी वक्त है तो जरा रुक के मदद कर देना। सही ये कहीं भी लिखे भी नहीं है ये चीजा लेकिन पब्लिक बना ली। समझे लोगों की खिदमत ऐसा करते हैं यहाँ पे। भैया वो खारी का फोन आया था किराया देना है। भाई मैं जरा मेरी जॉब नहीं लगी ना अभी तो थोड़ा समझ रहे ना आप। तुम्हारे कोई पूछे उस्ताद चुप बैठो तुम। अच्छा 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 क्या हो भैया ऐसा ब्रेक मार दिए? अरे वो लेडीज और बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं ना मियाँ तो ऐसा हजार डाल के ठहर जाना। हजार क्या जी? अपने इंडिया के उसमें तो डबल इंडिकेटर। ये भी यहाँ के टिकट्स में आता भाई। वो एबीसी कंपनी कैसी है? भाई सोचो भी नको तुम, वो कंपनी में नहीं मिलती जॉब तुम्हारे को, इंटरव्यू का अगर कॉल भी आ गया ना बहुत बड़ी बात है। अरे भाई मैं इंटरव्यू दे के आया। दे क्या गए तुम इंटरव्यू? भाई मेरा भी सीवी देता हूँ तुम्हारे, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दो ना मेरा सीवी। भाई आपकी चल रही ना अच्छी खासी जॉब? चल रही भाई लेकिन क्या है बॉस किरकिरी का है बहुत दम कर दे रहा तो इसीलिए थोड़ा चेंज कर लूंगा बोल के हूँ जॉब में। भाई लाइट की बिल पे करने का है जरा पैसों का कर दिए तो मेहरबानी, ऑलरेडी अपन लेट है। वो बॉक्स में रखा ले लो तुम। भाई वो मेरी अभी जॉब नहीं लगी ना भाई तो थोड़ा। अरे तुम्हारे को पूछे कौन यार पैसे तुम ऐसा कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। दोस्त है क्या मामा तुम्हारा? नहीं 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 अपने को साइड दिया ना मामा तो एक थैंक यू बोला सर का हाथ बता लेना अपन। अच्छा यहाँ पे ऐसा बता लेते क्या? अच्छा इंडिया में भी ऐसा थोड़े लोग फॉलो करे तो कितना अच्छा रहता था, एक दूसरे को साइड दे ले रहे एक दूसरे को जो है हेल्प कर ले रहे तो। इंडिया में तो साइड दिए तो नहीं था रुबाब से हाँ डर के पीछे हट गया नहीं समझता। अजी शोभ भाई तुम्हारी कंपनी में वैकेंसी है जी? अपने पास नहीं निकलता जी पहले बोला ना, अब क्या है फिर भी देखेंगे बोल के तो रखा।
अरे नहीं भाई, मेरे को कॉल आया आज इंटरव्यू के वास्ते। हाँ कॉल आया, क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे को बोलो, साले को तो भी लगा ले तो मैं। भाई वाईफाई के पैसे, नहीं तो फिर कट हो जाता। अरे दे रहा, अभी दे रहा, एक मिनट एक मिनट। ओ भाई वाईफाई का जरा, अरे तुम्हारे से पूछे उस्ताद कोई? तो सुने जुमिया, अब देखो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो ऐसा साइड में ले लेना गाड़ी। अच्छा एम्बुलेंस गए तक जो है साइड दे देना, चाहे कितनी भी ट्रैफिक रहो। अपने पास भी ऐसा एम्बुलेंस को जो ऐसा साइड दिए तो कितना अच्छा रहता था, हर किसी को जल्दी रहती वहाँ पे, फिर भी कोई भी टाइम पे नहीं पहुँचता। हाँ यार क्या है, इंडिया में अगर एम्बुलेंस को ऐसा साइड दे दिए ना भैया, कितने जाना बच सकते हैं मालूम? अपने पास एम्बुलेंस के सामने से कट मारते पब्लिक। अरे भैया मेरे को ऑफर लेटर आ गया। हाँ माशाल्लाह ऑफर लेटर आ गया। हाँ कब से की जॉइनिंग? परसों से है मेरी। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी बात है तुम्हारे को, जुम्मे के दिन ऑफर आया, छुट्टी रहती ना भाई? हाँ नहीं भाई, आजकल क्या है वर्क फ्रॉम होम चल रहा ना। हाँ तो कुछ कुछ कंपनीज जो है सो ना नहीं देख रहे, वर्क फ्रॉम होम में भी काम कर रहे जुम्मे के दिन भी। हाँ चलो चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक भाई। सैलरी आ गई, इसमें से 2000 अम्मी को दे देता हूँ, 1000 शब्बीर को देना है, भाई को 1000 वीजे के भी देने का है वो भी दे देता हूँ, बाकी के ऊपर बचते 100 महीने के खर्चे। चल कैसे अदर में आ गई सैलरी? हाँ वो लाइट के बिल के पैसे जरा दे देना था, 3 महीने से नहीं दिए। सलाम वालेकुम, सैलरी आ गई। हाँ वो वाईफाई के बिल के पैसे थे 3 महीने के, शुक्रिया। लास्ट महीने रेशन का मैं लेके आया था पैसे। आ गई तनख्वाह तुम्हारी, वो किराया नहीं दिए थे ना उस्ताद, दे दो जरा, दे देने का है ठीक है। अच्छा ये खर्चों को 50 रख लो, और नेक्स्ट मंथ कैसा भी दे दो। ओके